गया में इन दिनों चोरी की वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर प्रशासन क्या कर रहा है, आखिर पुलिस की गश्ती के क्या मायने हैं, जो कि चोर चोरी की वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। बता दें कि जिस वक्त चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, उस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना, शिक्षक के घर की लाखों की चोरी, खिड़की तोड़कर घर में घुसे चोर, 4 लाख के आभूषण, नकदी और कीमती सामान चोरी। गया के विष्णुपुर थाना क्षेत्र के खटकाचक गांव में एक शिक्षक के बंद घर में अज्ञात चोरों ने घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने शिक्षक के घर से करीब 4 लाख रुपए के जेवरात और 1,10,000 रुपए की नकदी सहित घर से कई कीमती सामान की चोरी कर ली। वहीं पीड़ित शिक्षक अशोक कुमार पाठक पूरे परिवार के साथ अपने पैतृक गांव डुमरिया गए हुए थे और घर में ताला लगा था। लोगों ने उन्हें फोन पर चोरी की जानकारी दी। आज 9 बजे हमको सूचना मिली, पड़ोसी फोन किए, हम गांव पर गए हुए थे, पैतृक गांव डुमरिया, मैरा थाना के अंतर्गत चनरिया गांव है, वहां गए हुए थे। सूचना मिली कि रात में चोरी हो गई, आए तो देखे, बाकी सब आपके सामने, पब्लिक लोग साथ में थे, पूरे गांव के आसपास लोग सब साथ में हैं, प्रशासन भी आई थी। क्या क्या चोरी हुई? चोरी में 4 लाख से ऊपर का गहना और 1,10,000 रुपया नकदी था। आप लोग कहाँ गए थे? घर में कोई नहीं था क्या? घर में कोई नहीं थे, पैतृक घर पर छठ हो रहा था, वहीं हम लोग गए थे। जब उन्होंने आकर देखा तो घर की खिड़की टूटी हुई थी। जाहिर है चोर घर की खिड़की तोड़कर ही अंदर घुसे थे। पूरे घर में सामान बिखरा पड़ा था, घर की अलमारी टूटी पड़ी थी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को चोरी होने की जानकारी दी। देख के गई है पुलिस, उनका कहना है कि आप FIR लिख के दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे, कुछ सामान जो होगा बरामद कराएंगे। किसी पे कोई संदेह? कोई संदेह नहीं व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए कि हम यहाँ नए हैं, 1 साल से लगभग रह रहे हैं। जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंची, घर की तफ्तीश की और चली गई। लेकिन पुलिस के पास ये जवाब नहीं था कि आखिर चोर कब तक पकड़े जाएंगे। लेकिन सवाल वही है कि त्योहार के मौके पर आखिर चोर सक्रिय कैसे, जबकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। गुनाह के लिए गया से प्रदीप की रिपोर्ट।